नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। सरिस्का टाइगर रिजर्व में देखो अपना देश वेबिनार के 13वें संस्करण का आयोजन। स्वैच्छिक मानव स्थानांतरण से बाघों की स्थिति में सुधार, वर्तमान में बाघों की संख्या 2967। USTR ने जारी किया स्पेशल 301 रिपोर्ट, भारत प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल। IP कानूनों को लागू करने में भारत ने किया प्रगति। कश्मीरी केसर, मणिपुरी चाक हाओ चावल और गोरखपुर के टेराकोटा को मिला GI टैग। कश्मीर घाटी की विशेष करेवा मिट्टी में होती है कश्मीरी केसर की खेती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का WHO पर हमला, बोले WHO चीन की PR एजेंसी की तरह कर रहा है कार्य। और अब आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने 1 मई 2020 को देखो अपना देश वेबिनार के 13वें संस्करण का आयोजन किया। यह संस्करण राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन्य जीव जोखिमों, सफारी अनुभवों की प्रस्तुति और आभासी यात्रा का आयोजन किया गया। वेबिनार एक प्रकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम होता है। इसकी प्रस्तुति सरिस्का मानेर के संस्थापक श्री राजेंद्र सिंह पवार और टेहला व इमेंस मार्केटिंग के CEO श्री धीरज त्रिवेदी द्वारा की गई। सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इस पार्क में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल के साथ मोर, सर्प, चील, सुनहरी पीठ वाले कठफोड़वा, सींग वाले उल्लू जैसे पक्षियों का आश्रय स्थल है। अच्छे प्रबंधन, संरक्षण व मुख्य क्षेत्रों को अक्षत बनाने के लिए मानव के स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्रोत्साहित किया गया, जो भारत में बाघों की स्थिति में निरंतर सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण कारण बना। सरिस्का टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व है जिसमें भारत में रॉयल बंगाल टाइगर के सफलतापूर्वक बसाया गया है। आपको बता दें कि इस समय रिजर्व में लगभग 20 बाघ मौजूद हैं। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को पर्यावरण मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक प्रायोजित योजना है, जो बाघ वाले राज्यों को बाघ अभयारण्यों में बाघों का संरक्षण करने के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। गौरतलब है कि 2018 में बाघों की नवीनतम अनुमानित रिपोर्ट के अनुसार भारत के जंगलों में अभी बाघों की संख्या 2967 है, जिसमें से आधे से अधिक मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। 2014 में की गई पिछली गणना के बाद से बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई। उस समय बाघों की अनुमानित संख्या 2226 थी। इन वेबिनारों को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर देखा जा सकता है। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यानी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने वार्षिक 301 रिपोर्ट जारी कर दिया है। गौरतलब है कि ताज़ा रिपोर्ट में कुल 36 देशों को निगरानी सूची में शामिल किया गया। स्पेशल 301 रिपोर्ट 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि यानी USTR कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अमेरिका किसी भी देश की जांच की अनुमति प्रदान करता है। इस रिपोर्ट में अमेरिका द्वारा अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों का बौद्धिक संपदा की रक्षा और प्रवर्तन संबंधी ट्रैक रिकॉर्ड पर अनुमान लगाया जाता है। जांच में दोषी पाए जाने वाले देश पर व्यापार प्रतिकर की कार्यवाही की जा सकती है। USTR के अनुसार भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए इस रिपोर्ट की प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया गया है। भारत के साथ चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे 11 देशों को शामिल किया गया, जबकि तुर्की और पाकिस्तान सहित कुल 25 देशों को निगरानी सूची में रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बौद्धिक संपदा यानी IP के प्रावधानों को लागू करने में भारत ने बीते वर्ष कुछ प्रगति की है, लेकिन पहले से चल रही चुनौतियों से भारत उभर नहीं पाया है। साथ ही कुछ नई चुनौतियां भी सामने उभर कर आई हैं।
विश्व व्यापार संगठन के अनुसार बौद्धिक संपदा अधिकार एक निजी अधिकार है जो किसी देश की सीमा के भीतर किसी व्यक्ति को औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य व कला आदि के क्षेत्रों में अपने मस्तिष्क से की गई रचना के लिए दिया जाता है। यह अधिकार एक ऐसी प्रेरणा है जो व्यक्ति को कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपको बता दें कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, भौगोलिक संकेतक जैसे अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हाल ही में कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। यह संकेत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल में जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। कश्मीरी केसर की खेती विशेष प्रकार की करेवा मिट्टी में की जाती है। यह कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले निक्षेप हैं। कश्मीरी केसर के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, लक्षा केसर, मोंगरा केसर और गुच्छी केसर। इसके अलावा कानी सॉल, कश्मीरी सोजनी और पश्मीना को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का इस्तेमाल उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इसके साथ ही हाल में मणिपुर के चाकहाओ अर्थात काले चावल और गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। मणिपुर के सफ़ी लाम्फी, मोइरांग फेई और कछई नींबू भी यह टैग प्राप्त करने में सफल रहा। गोरखपुर के टेराकोटा कारीगरी को बौद्धिक संपदा अधिकार का दर्जा मिलने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस बात की बधाई दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना वायरस को लेकर चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पर निशाना साधना जारी है। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान WHO पर निशाना साधते हुए कहा कि WHO चीन के लिए एक पब्लिक रिलेशन यानी PR की तरह काम कर रहा है और COVID-19 से जुड़े तथ्यों को विश्व समुदाय से छिपा रहा है, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व इस महामारी का शिकार हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने जब सवाल किया कि क्या उनके पास कोई प्रमाण है जिससे पता चले कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही पैदा हुआ, जवाब में ट्रंप ने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और उचित समय आने पर आपको बता देंगे। आपको बताते चलें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानक विकसित करने की संस्था है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नज़र। भारत ने पहली बार मिलने वाले पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी का अवसर गंवा दिया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेज़बानी की फीस नहीं भर पाया था। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में किया गया करार तोड़ दिया। अब इसका आयोजन सर्बिया के शहर बेलग्रेड में किया जाएगा। CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1 मई 2020 को किसान सभा ऐप विकसित किया। COVID-19 के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के दौर में माल परिवहन, प्रबंधन और आपूर्ति को ध्यान में रखकर इसे विकसित किया गया है, ताकि किसानों को बीज और उर्वरक खरीदने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टरों, सेवा प्रदाताओं अर्थात विक्रेताओं, मंडी डीलरों और अन्य संबंधित संस्थाओं को समय पर और प्रभावी समाधान के लिए जोड़ता है। इस ऐप के मदद से किसानों को किफ़ायती और समय पर रसद सहायता प्राप्त करना है। इसके उपयोग से किसानों के लाभ मार्जिन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बिचौलियों का हस्तक्षेप कम होगा और किसानों को सीधे संस्थागत खरीदारों से जोड़ेगा। गौरतलब है कि CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1952 में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, जो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के घटक के रूप में सड़कों के निर्माण, रखरखाव, मेगा और मध्यम शहरों के यातायात और परिवहन की योजनाओं आदि पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को पूरा करता है।
आईसीसी ने 1 मई 2020 को ताज़ा टेस्ट टीम रैंकिंग जारी की है। इसके अनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद अब तीसरे पायदान पर आ पहुंचा है। वहीं इंग्लैंड चौथे और दक्षिण अफ्रीका छवें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय टीम अक्टूबर 2016 से शीर्ष पर मौजूद थी। आपको बता दें कि आईसीसी रैंकिंग 3 साल के प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती है। 1 मई 2020 को तरुण बजाज ने वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव की कमान संभाली है। श्री बजाज अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। 30 अप्रैल को अतनु चक्रवर्ती का कार्यकाल समाप्त हो गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2020 को नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन यानी NCSTC ने COVID-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित यस यानी ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया। सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों में COVID-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।